नमस्ते। चलिए आज जानते हैं कि रोज़ को कटिंग से आसानी से कैसे ग्रो किया जाए। किसी भी प्लांट को कटिंग से ग्रो करने के प्रोसीजर को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। कटिंग में दो टाइप से की जाती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले ये जानते हैं कि मैं अभी कैसे लगा रही हूँ। सबसे पहले जो रोज़ की कटिंग हम लेंगे उसके लेंथ में ध्यान रखना है, वो 20 से 25 सेंटीमीटर हो तो काफ़ी अच्छा है, और जो उसकी मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर काफ़ी सही रहता है। कटिंग लगाने के 2-3 तरीके होते हैं। मैं जो यूज़ कर रही हूँ उसमें चाकू की मदद से बीच से उसके स्टेम्स के ऊपर के जो परत है पहले उसको हटा देंगे। रूट्स के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सिन के अंदर फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ गार्लिक, क्योंकि गार्लिक के अंदर बहुत से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। साथ ही साथ गार्लिक यूज़ करने से फंगस नहीं लगेगा और ग्रोथ जल्दी से होगा। इसके बाद मैं सॉइल प्रिपेयर कर रही हूँ। ये नॉर्मल सॉइल है, इसके अंदर मैं रेत मिलाऊंगी, उससे जल्दी ग्रोथ में मदद मिलती है। इस प्रोसीजर से ग्रो करने पे इसको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन लगेंगे और इसमें से नए नए ग्रोथ को हम देख पाएंगे। फिर मिट्टी के अंदर पतली से नालियों की तरह बना के उसके अंदर रोज़ की कटिंग को रख के हल्का सा ढक देंगे और पानी दे देंगे ऊपर से। अब इसका रिजल्ट तो 10-15 दिन बाद आएगा, लेकिन मैंने पहले से कुछ कटिंग्स को ग्रो कर रखा है, चलिए उनको दिखाती हूँ मैं आपको। भाई मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि कटिंग 2-3 तरीके से लगाई जाती है, तो ये नॉर्मल तरीका है जिसमें सभी को एक ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है और नए नए प्लांट्स इसमें आ गए हैं। क्योंकि इसे रेत में लगाया गया है तो इसे हाथों से ही इसमें से रेत हटाएंगे और नए पौधों को निकाल लेंगे। ये देखिए जो 2 मैंने लगाए थे इस तरह से पहले के, उसमें से कितने अच्छे से ग्रोथ हुआ है, और जिस रोज़ से मैंने इसे कटिंग की थी वो देखिए इसमें ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है और नए स्टेम्स कितने अच्छे थे और कितने जल्दी आ गए हैं। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिन के अंदर कितने सारे नई नई पत्तियाँ आ गई हैं और नई कलियाँ भी। और जो हमने अभी निकाला था उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे, उससे पहले पानी से वॉश कर ले और देखिए कैसे ग्रोथ हुआ है इसमें, इसको अब लगा देंगे। चलिए अब जानते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग और हार्ड वुड कटिंग क्या होता है। सॉफ्ट वुड कटिंग में वो कटिंग्स आएंगे जो कि अभी नए नए प्लांट से ग्रोथ हुआ हो और उनका स्टेम हरा कलर का होता है, और हार्ड वुड कटिंग में वो कटिंग्स होंगे जिनका स्टेम डार्क ब्राउन कलर का होगा और वो पुराने प्लांट से लिए गए हों। इस प्लांट को ऐसे लगाना है कि उसकी पत्तियाँ ऊपर दिखें और हल्का सा मिट्टी से दबा देंगे, फिर पानी दे देंगे और कुछ ही देर में इसका ग्रोथ जो है बहुत जल्दी हो जाएगा और उसमें फूल भी आने लगेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।